नमस्कार। जब से दोस्तों इस बात का खुलासा हुआ है कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान साहब कोरोना पॉजिटिव हैं, तब से ही सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग रोते रोते मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं, राहुल भोज भाई ये बताइए कि शाहरुख खान साहब की क्या हालत है, शाहरुख खान साहब कब ठीक होंगे, शाहरुख खान साहब ये, शाहरुख खान साहब वो। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो फैंस का क्या हाल है इस वीडियो में जानिए। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो अभी तक नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किंग ऑफ रोमांस बॉलीवुड के बादशाह या फिर कह सकते हैं कि हमारे पठान जो कि जवान रेडी हो चुके हैं डंकी के लिए, ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शाहरुख साहब को कोविड हो गया और ये बात मैंने आपको कल के दिन बताई थी। शाहरुख साहब को कोविड हो गया दोस्तों, ये सचमुच में हैरान कर देने वाली बात है। हैरान क्या, एक्चुअल में सभी को ही हो रहा है यार। अभी अक्षय कुमार साहब को भी हुआ था, कार्तिक आर्यन को भी हो गया, सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से कोविड फिर से वापस आ रहा है दोस्तों और शिकार हो रहे हैं इसके। खैर टेंशन की बात नहीं है, वो सही हो जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे हंगामा है। एक हैशटैग चल रहा है कल से, वो है हैशटैग गेट वेल सून SRK। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि कल से ही वो इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 10 में बना हुआ है और वो जो है कल रात को शुरू हो गया था जब से ये खबर पता चली, उसके बाद SRKians ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद जाके दोस्तों आज भी ये चल रहा है कंटिन्यूसली। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या है कहना, वैसे अंदर के मैसेजेस में आपको बताना चाहता हूँ, लोग रो रो के दुआएं मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि शाहरुख खान साहब ठीक हो जाएं, शाहरुख खान साहब ठीक हो जाएं, शाहरुख खान साहब को कुछ ना हो। शाहरुख, कुछ लोगों के तो मैंने ऐसे मैसेजेस पढ़े हैं, उन्होंने ये कहा कि शाहरुख खान की बीमारी मुझे लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये है कहना। तो ये फैंस का प्यार है, ये फैंस का अपना दिल है कह सकते हैं, जो कि शाहरुख साहब के लिए धड़कता है। मैं टेली खजाना की तरफ से, मैं राहुल भोज, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि शाहरुख साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और डंकी की शूटिंग शुरू करके फिर उसके बाद ऑफकोर्स जवान और उसके बाद अलग अलग यू नो अपने प्रोजेक्ट्स में लग जाए। चलता हूँ।